फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी स्कूल्स। आज हम लोग रोटी बनाना सीखेंगे। ये फ्रेंड्स एक बेसिक कुकिंग में आता है, हर किसी को आना चाहिए, इसीलिए मैं आज आपको ये सिखाऊंगी। मैं आपको कुछ ऐसे बात बताऊंगी जिससे आपका रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और काफी देर के बाद भी फ्रेश रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो हर वीडियो की तरह पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो रोटी या फुल्का बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लिया है मैंने। इसमें मैंने 2 कप आटा लिया है। अभी इसमें मैं नमक और पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लूंगी। जो रोटी का आटा रहता है मेरा थोड़ा सॉफ्ट रहता है कंपेयरिंग टू चपाती या पराठे के आटे से। और इसमें मैं तेल भी नहीं डालती सूखे आटे में, जैसे कि मैं चपाती में डालती हूँ थोड़ा, ताकि वो थोड़ा खस्ता बने। और एक बात, जब भी आप आटा गूंदे थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड सा बर्तन लीजिए ताकि आपको आटा गूंदने में आसानी हो। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना पानी चाहिए, तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे मुझे इस आटे में 2 कप आटे में मुझे 3/4 कप पानी की ज़रूरत हुआ, लेकिन फिर भी लास्ट में जैसे थोड़ा सूखा आटा बच रहा है मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, जो आटा मैंने गूंदा है इसी में ही उसको मिला रही हूँ। नहीं तो हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा और रोटी बनाने में हमें मुश्किल होगा। और जैसे मैंने इस आटे में थोड़ा नमक डाला है, और अगर मेरा आटा बच रहा है रोटी बनाने के बाद तो इसको हमें फ्रिज में रख देना चाहिए, नहीं तो ये भी एक रीजन होता है हमारा आटा लूज हो जाता है बाद में अगर हम लोग बाहर रखेंगे तो। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। अभी ये गूंदने के बाद मैं 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट रखने दूंगी, तभी जाके हमारा जो रोटी बनेगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, फूलेगा अच्छी तरह से और कच्चा भी नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। और अभी मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के एक बड़ा सा लॉग बना दूंगी, तो हमें डम्पलिंग बनाने में आसानी होगा इस तरह से। और इक्वल पोर्शन में लेके मैं छोटे छोटे डम्पलिंग बनाऊंगी। देखिए हाथ में तेल या फिर सूखा आटा भी लगा सकते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हैं जैसे आपको है मर्जी। और उसको थोड़ा स्मूथ कीजिए। देखिए मैंने एक डम्पलिंग को सूखे आटे से डस्ट किया और अभी मैं रोलिंग पिन से उसको प्रेस करके रोल कर रही हूँ, धीरे से उसको प्रेस कर रही हूँ। और मैं साइड से ही उसको प्रेस करके जा रही हूँ ताकि हमारा ये इवनली रोल आउट हो चारों तरफ से, नहीं तो जो हमारा सेंटर पोर्शन है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा और साइड का थोड़ा मोटा रह जाएगा, तो हमारा रोटी हम लोग जब सेकेंगे वो फूलेगा नहीं, हार्ड बन जाएगा। और जो बाकी सारे डम्पलिंग है उसको मैंने ढक लिया है, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। जैसे बीच बीच में मैं उसको सूखे आटे से फिर से डस्ट कर रही हूँ, नहीं तो हमारा जो रोटी हम लोग बेल रहे हैं वो चिपक जाएगा। इसको मैं जितना हो सके थोड़ा पतला बना रही हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा शेप में गड़बड़ होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छे से आपका सर्कल शेप में हो जाएगा वो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए अब ये बनने के बाद आप दोनों हाथ से उसको ऐसे कर दीजिए तो जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकल जाएगा इस तरह से। ये देखिए अभी जो रोटी के लिए मैं पतला तवा यूज करती हूँ, इससे रोटी अच्छा बनता है। ये मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और अभी
रोटी इसमें डालूंगी। थोड़ा सा फ्लेम हाई कीजिए। हमें थोड़ा थोड़ा सा बबल जब दिखना शुरू करेगा हम इसको उल्टा कर देंगे। ऐसे घुमाते रहिए इसको। ये देखिए थोड़ा सा बबल दिखना शुरू हो गया। अभी मैं उल्टा कर देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे व्हाइट स्पॉट्स आने लगा है। ज्यादा आप मत कीजिए, नहीं तो रोटी हमारा थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब हम करेंगे, हमें थोड़ी देर ज्यादा रखना है जब तक वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन स्पॉट ना आ जाए। घुमाते रहिए आप उसको। ये देखिए थोड़े बड़े बड़े बबल्स आने लगे हैं। अभी मैं इसको निकाल दूंगी। और उड़ीसा में हम लोग ऐसे वाला यूज करते हैं, इसके ऊपर मैं इसको रखूंगी। देखिए रोटी हमारा धीरे धीरे फूल रहा है, इसे फूल गया हो। ये बहुत इजी रहता है यूज करना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना नॉर्मल चिमटा भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया। तो अभी रोटी के ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी इस तरह से। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है वो। मेरे हस्बैंड को तो पर्सनली बहुत पसंद है। अभी इसको मैं, जैसे देखिए इस हॉट केस में मैंने थोड़ा सा टिश्यू पेपर रखा है और उसके ऊपर मैं ये रखूंगी ताकि हमारा रोटी फ्रेश रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा और उसका स्टीम टिश्यू पेपर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी मैं और एक रोटी आपको बना के दिखाती हूँ। इसको मैं चिमटे से सेकूंगी। थोड़े से बबल आने पे इसको हम उल्टा कर देंगे, नहीं तो हमारा रोटी बहुत ही हार्ड बन जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टेप है। और जो जो मैंने छोटे छोटे टिप्स बताया था उसको आप फॉलो कीजिए तो आपका रोटी बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। इसको आप ऐसे घुमाते रहिए तो इवनली वो कुक भी होगा। देखिए थोड़े बड़े बबल आने लगे हैं, वो थोड़ा लाइट ब्राउन भी हो गया है। अभी इसको हम लोग निकाल देंगे और डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखेंगे। कितना अच्छे से वो फूल रहा है। अभी इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। घी लगाने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है वो। ये देखिए पहले वाला रोटी हमारा अभी तक सॉफ्ट है वो। इसको भी हम लोग ऐसे रख देंगे। डू सब्सक्राइब टू माई कुकिंग चैनल। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।